नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के सरकार धीरेंद्र शास्त्री का आगमन हुआ है और इसमें पंचायती राज के जो पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी थे, जो कि वर्तमान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नौबतपुर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत किया गया है। पटना के एयरपोर्ट पर जब धीरेंद्र शास्त्री पहुँचे तो वहाँ पे सांसद मनोज तिवारी भी पहुँचे थे और वहाँ से खुद मनोज तिवारी गाड़ी ड्राइव करके लेकर आए थे। तो इस तरह से भाजपा के द्वारा जो स्वागत किया गया है वो भरपूर स्वागत किया गया है और इसमें बिहार के 3800 जिला समेत देश के कोने कोने से भी लोग पहुँचे हुए हैं। तो एक तरह से जो आस्था जुड़ा हुआ है बागेश्वर धाम के प्रति, हनुमान भक्त जो है हनुमान कथा सुनने आए हुए हैं यहाँ पे ऐसे लोग आए हुए हैं जो डॉक्टर से थक चुके हैं, यानी कि कोई अगर बीमारी है तो डॉक्टर से दिखाकर परेशान हो चुके हैं, वो अंत में बाबा बागेश्वर धाम के सरकार धीरेंद्र शास्त्री से मिलने आए हैं। उनके पास अर्जी लगा रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा अर्जी सुना जाएगा और उनके ऊपर जो संकट है, जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनका जो कष्ट है वो खत्म हो गया। तो इस तरह से देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और पटना जिला के नौबतपुर में यह त्रेतपाली मठ का प्रांगण है, इसी प्रांगण में यह कार्यक्रम का व्यवस्था किया गया है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल का निर्माण किया गया है, जो कि छोटा पड़ गया है। कार्यक्रम के द्वारा यहाँ के लोगों को रोजगार का साधन मिला है और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।